हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक ऑस्कल्टेशन एरियाज के बारे में। कार्डियक ऑस्कल्टेशन एरियाज आपको किस किस जगह पर देखने को मिलेंगे और कहां पर आपको इनकी साउंड से देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि किस तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपके चेस्ट को सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, है ना। जब चेस्ट को सुनते हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन होता होगा कि भाई ऐसा क्या है जो चेस्ट पर स्टेथोस्कोप लगाने से हमें सब कुछ पता लग जाता है हार्ट के बारे में। यस, तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एओर्टिक वाल्व के बारे में। एओर्टिक वाल्व ये हैं। दूसरी बात करेंगे पल्मोनरी वाल्व यहाँ होते हैं। मिटर वाल्व की बात करें तो मिटर वाल्व यहाँ होते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एओर्टिक जो वॉल्व हैं, लेकिन इसकी साउंड कहाँ सुनाई देगी हमें, सेकेंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल जो स्पेस है और स्टर्नम के जस्ट बगल से। अगर हम बात करें कि एओर्टिक वॉल्व की अगर हमें आवाज सुननी है तो हमें स्टेथोस्कोप कहाँ रखना होगा, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि आपको एओर्टिक वॉल्व के बारे में बताएगा कि यहाँ पर जो साउंड आएगी कि भैया आपके एओर्टिक वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है, रिगर्जिटेशन वगैरह, जो भी हम डिसीज की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्व के बारे में। देखिए, पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पर है, अगर हम रिप्स के हिसाब से देखें तो थर्ड रिप्स पे आ रहे हैं, लोअर मार्जिन पे, ठीक है। और अगर इसके साउंड अगर हमें सुनने हैं, यानी कि पल्मोनरी वॉल्व के अगर साउंड सुनने हैं हमें, तो ये हमें देखने को मिलेगा सेकेंड इंटरकोस्टल मार्जिन, जो कि लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब हम बात करें कि अगर पल्मोनरी वॉल्व में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें यहां पर सुनाई देगा, यानी कि हमें स्टेथोस्कोप यहां पर रखना है। इस यहां पर जब हम स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगी, इसके जो प्रॉब्लम है वो हमें सुनाई देगी। अब देखिए, यहां पर हमने स्टेथोस्कोप कहां रखा हुआ है, ये देख लीजिए इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं माइटर वॉल्व। माइटर वॉल्व कोई भी प्रॉब्लम अगर माइटर वॉल्व में आती है तो हमें स्टेथोस्कोप कहां रखना है। देखिए, माइटर वॉल्व कहां पर है, इस जगह पर है, यानी कि जो फोर्थ रिप्स है आपके, उसके अपर मार्जिन पर है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी साउंड हमें कहां सुनने को मिलेगी। देखिए, ये है, ये आपकी जो मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि देखिए ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, ये मान लीजिए आपका निप्पल है, ये निप्पल है और ये निप्पल है, तो ये मिड क्लेविकुलर MCL होती है, जो वो ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 5 और 6 यानी फिफ्थ और सिक्स्थ रिब के बीच में जो स्पेस है, वहां पर हमें मिटर वॉल्व की डिफॉर्मिटी है, अदर प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मलिटीज सुनने को मिलेगी। तो स्टेथोस्कोप हमें कहां रखना है, इस जगह पर रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की अगर हमें साउंड से सुननी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व की अगर हमें साउंड से सुननी है, तो हमें रखना होगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में फिफ्थ और सिक्स्थ, यहां पर हमने क्या देखा, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में है, लेकिन ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पर है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट जो जीपर्ट प्रोसेस है आपकी, देखिए ये मेनुब्रम है, ये मेनुब्रम बॉडी है और ये जीपर्ट प्रोसेस है, है ना। तो जो लोअर एंड है आपका स्टर्नम का, वहां पर जहां से फिफ्थ और सिक्स्थ का ओरिजिन हुआ है, वहां पर आपको ये इसका ऑस्कल्टेशन एरिया आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से देखिए, यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये चारों एरियाज आपको दिए हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइव ही समझ लीजिए, एक ये है एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, माइट्रल वॉल्व, और यहां पर आपका जो ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, तो हालांकि वॉल्व देखिए यहां पर है, ये वॉल्व है, ये है, ये है, ये है, लेकिन आपके एरिया सुनने को, ऑस्कल्टेशन से एरिया आपको यहां पर मिलेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। दूसरी बात, हम बात करेंगे कि आपको ऑस्कल्टेशन करते समय जो स्टेथोस्कोप होते हैं वो कौन से यूज करने हैं। देखिए, स्टेथोस्कोप जो नॉर्मल स्टेथोस्कोप होते हैं उसमें जो साउंड्स होती है वो क्लियर नहीं आती है, लेकिन जो एक अच्छा स्टेथोस्कोप होता है वो होता है लिटमैन का, ठीक है। लिटमैन जो स्टेथोस्कोप होता है वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी इनके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, पीडिया है ना,
जो जिस हिसाब से जिनकी जो कैटेगरीज होती है जिन डॉक्टर्स की, वो उस हिसाब से स्टेथोस्कोप अपना खरीदते हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। पहली वाली वीडियो इससे पहले जो अपलोड हुई थी उसका नाम था चेस्ट एक्सरे रीडिंग, बिल्कुल हिंदी में था, किस तरह से चेस्ट एक्सरे में हमें फाइंडिंग्स देखनी है, क्या क्या फाइंडिंग्स हमें देखनी है चेस्ट एक्सरे के अंदर। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दी गई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पीसीबी के बारे में, पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होते हैं। अगर आपने हमारी अदर वीडियोस नहीं देखी हैं तो अदर वीडियोस आप प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, आपको अदर वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड है एंड अर्थराइटिस से रिलेटेड है, सीबीसी रिपोर्ट्स कैसे देखें, सो मेनी टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीखेंगे, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों को सिखाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी इसी तरह के नए वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।